Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तो है जेआईटी का, लेकिन इसके एक जिमनी मामले की बात करते हैं जो कि है रिकॉर्ड टेम्परिंग का। एससीसीपी में चौधरी शुगर मिल्स रिकॉर्ड में टेम्परिंग की तस्दीक हो गई है। एफआईए ने इंक्वायरी कमेटी की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जो जमा कराई है उसमें चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी को रिकॉर्ड टेम्परिंग का जिम्मेदार करार दिया गया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताएं कि एससीसीपी के दो डायरेक्टर्स भी गफलत के मुर्तकिब पाए गए हैं। तो रिकॉर्ड टेम्परिंग का यह मामला था जिससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आयात भी दी गई और अब एफआईए ने इस बात की तस्दीक भी कर दी है। जफर हिजाजी ने 29 जून 2016 को चौधरी मिल्स की इंक्वायरी जनवरी 2013 में बंद करने का हुक्म दिया था। तो यह मामला है जिसकी अब तस्दीक हो गई है। जी हाँ, इसके साथ साथ अली अजीम और माहीन फातिमा पर भी रिकॉर्ड में जालसाजी और रद्दोबदल के लिए दबाव डाला गया। पनामा तहकीकात के दौरान जेआईटी ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चौधरी शुगर मिल्स के रिकॉर्ड में टेम्परिंग की शिकायत की, जिस पर एफआईए की इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट चेयरमैन एससीसीपी जफर हिजाजी रिकॉर्ड टेम्परिंग के जिम्मेदार करार दिए गए। एससीसीपी के डायरेक्टर अली अजीम और डायरेक्टर माहीन फातिमा भी गफलत के मुर्तकिब करार पाए गए। इंक्वायरी कमेटी ने चेयरमैन के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने जबकि डायरेक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की है। जफर हिजाजी ने 29 जून 2016 में अली अजीम और माहीन फातिमा को चौधरी शुगर मिल्स की इंक्वायरी जनवरी 2013 की तारीख में बंद करने का हुक्म दिया था। अफसरों पर रिकॉर्ड में जालसाजी और रद्दोबदल के लिए दबाव भी डाला गया। एफआईए की टीम ने चेयरमैन समेत 12 अफसरों के बयान रिकॉर्ड किए थे। खबरें और भी हैं शामिल कर...